खबर कैमूर से आ रही है, जहां 3 माह पूर्व हुए काले हिरन की हत्या के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सफलता प्राप्त की है। मामले में करीब 3 महीने से फरार चल रहे 6 अभियुक्तों में से एक को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त ने हिरन की हत्या में शामिल होने की बात को स्वीकार लिया है। इसके बाद पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। आपको बता दें कि यह मामला अप्रैल महीने का है, जहां चैनपुर प्रखंड के करजी गांव के बघार में बह रही गेहुआ नदी में पानी की तलाश में आए काले हिरन को गिरफ्तार कर अभियुक्त और अन्य साथियों द्वारा उसे चारों तरफ से घेर कर पकड़ लिया गया था और हिरन की हत्या कर दी गई थी। तब तक वन विभाग के स्थानीय टीम को काले हिरन के शिकार की सूचना मिल चुकी थी। वन विभाग द्वारा हिरन को जब्त करते हुए 6 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तब से ही सभी अभियुक्त फरार चल रहे थे और दर्ज प्राथमिकी में गिरफ्तार अभियुक्त अमरदेव गोंड भी करजी गांव का ही निवासी है, जिसे खुफिया जानकारी के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी हुआ है कि आपको काला हिरन का ये हुआ था, उसी में इनको गिरफ्तारी किए हैं। वीडियो को काला हिरन का मर्डर की लोग काटे थे, उसके बाद से हम लोग सूचना के बाद आ गए। कितने पर एफआईआर हुआ था? एफआईआर हुआ 6 आदमी पे। 6 आदमी जी। तो ये जो गिरफ्तारी हुआ 6 आदमी में से है या अलग है? अलग से, इनको फुटेज के आधार पर हम लोग गिरफ्तार किए, शंका के आधार पर। उसके बाद से ये बयान दिए हैं खुद कि हम उसको काटे हैं। और जो है पहले जो FIR हुआ था 6 लोगों पर, उसमें से गिरफ्तारी नहीं हुआ ना? उसमें अभी चल रहा है, हम लोग गिरफ्तारी छापेमारी चालू है। गिरफ्तारी हुआ है कि आपको काला हिरन का ये हुआ था, उसी में इनको गिरफ्तारी किए हैं। वीडियो को काला हिरन का मर्डर की लोग काटे थे, उसके बाद से हम लोग सूचना के बाद आ गए। कितने पर FIR हुआ था? FIR हुआ 6 आदमी पे। 6 आदमी जी। तो ये जो गिरफ्तारी हुआ 6 आदमी में से है या अलग है? अलग से, इनको फुटेज के आधार पर हम लोग गिरफ्तार किए, शंका के आधार पर। उसके बाद से ये बयान दिए हैं खुद कि हम उसको काटे हैं। झारखंड बिहार की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखिए News by Scope अब JioTV पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से News by Scope ऐप। दानापुर के खगौल लक के समीप एक कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी, जिसमें सवार लगभग 4 लोग घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बता दें कि कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी, जैसे ही गड्ढे में गिरी वैसे ही लोग जख्मी हो गए। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से गड्ढे में कार गिरी है, और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी गंभीर चोट आई होगी। लेकिन फिलहाल घायलों का इलाज पटना के एम्स हॉस्पिटल में चल रहा है।